फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए सारे सेलेक्टेड। तो गाइस कतर में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, उसी के लिए टाइमर दिया गया है दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक न्यू ब्लॉग। गाइस मैं हूं जैन और आप अभी देख रहे हैं ब्लॉगर देसी। अभी आ गया हूं कॉर्नर्स की तरफ और ये समुद्र की तरफ, जो कि कितना बार आप देख चुके हैं, पर ये वीडियो में दिखाने का मकसद ये है कि वर्ल्ड कप के लिए 2022 में जो वर्ल्ड कप कतर में होने वाला है, और ये टाइमर दे दिया गया है कॉर्नर्स में, जो कि काफ़ी अच्छा बेहतरीन लग रहा है देखने में। तो वही चीज़ ये वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी आज, और देखते हैं कि आज छुट्टी था कतर में तो काफ़ी सारे लोग भी आए हुए, तो एनिमेटिक सीन लेके आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बेहतरीन दिख रही है ये जगह, जो कि काफ़ी खूबसूरत है कतर का कॉर्नर्स, जो कि बहुत ही अच्छा जगह माना जाती है ये कतर का। 2022 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है और जो टाइमर दिया गया है, 1 साल जब बाकी था तब से ये टाइमर चल रहा है, तो काफ़ी लेट हो गया मेरे को वीडियो दिखाने में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता था। जब मैं ड्यूटी से आता तो रात हो जाता। तो चलिए आज आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वो लग रही है और किस तरह वो बनाई गई है। चलिए कंटिन्यू कर वाले ब्लॉग में। टाइमर है जो के अंदर में, और देख रहे काफ़ी पब्लिक है जो कि सभी फोटो और वीडियो बना रहा है। आते हैं सिनेमैटिक सीन पर किस तरह ये लग रही है। तो गाइस कतर में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, उसी के लिए टाइमर दिया गया है 285 दिन 19 घंटा 33 मिनट 9 सेकेंड इसका टाइम बाकी है, जो कि फीफा वर्ल्ड कप कतर में होने वाला है। ये देने का मकसद एक ही है कि ये रिमाइंडिंग करा रहा है कि कितना दिन बाकी है फीफा वर्ल्ड कप का। आप जितने भी सारे ये झंडे देख रहे हैं जिन जिन देश के, ये सारे फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए ये सारे सेलेक्टेड हो गए।